हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षा अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9th विकास मैथमेटिक्स वर्कबुक में चैप्टर नंबर 5 आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री में सेक्शन बी सॉल्व करने वाले हैं, और ये आपको पेज नंबर 35 के ऊपर गिवन है राइट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन बी आपका 2 मार्क्स का होता है। सॉल्व द फॉलोइंग ब्रीफली इन दैट। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपको बोला गया है, नेम 3 अनडिफाइंड टर्म्स इन ज्योमेट्री। 3 आपको अनडिफाइंड टर्म्स बताने हैं इन ज्योमेट्री। तो देखो, सबसे पहला जो है हम बोल देते हैं पॉइंट्स है, दूसरा है आपका लाइन, एंड थर्ड वन इज योर प्लेन। दीज आर द अनडिफाइंड टर्म्स इन ज्योमेट्री। नेक्स्ट आपका बोला गया, व्हाट कैन बी डन विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम काइंड। एक ही काइंड के मतलब सेम काइंड वाले अगर कोई आपके पास है कुछ, तो और उसका मैग्नीट्यूड दैट मीन्स सेम है, तो क्या कर सकते हो आप, उसको कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ, एंड उसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। कंपेयर्ड एंड कैन बी एडेड, कंपेयर्ड एंड एडेड, इट कैन बी एडेड। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 तक होता है। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तब तक आप वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को एंड सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं, पेज नंबर 36 के ऊपर। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है, इफ एक्स वाई एंड जेड आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन। सपोज एक लाइन है जिस पे एक्स वाई एंड जेड तीनों लाइन है उस पे, दैट मीन्स पॉइंट्स है। आगे बोला गया है, एंड वाई लाइज बिटवीन एक्स एंड जेड। ये जो वाई है ये एक्स और जेड के बीच में आ रहा है। देन प्रूव दैट एक्स वाई वाई जेड इज इक्वल टू एक्स जेड। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे एक फिगर बनाएं तो इनका फिगर कुछ इस तरह से बनने वाला है। अगर ये मेरे पास क्या है, एक्स है, ये मेरे पास जेड है, तो इनके बीच में कौन आया हुआ है, कहीं वाई आया हुआ है कहीं भी। तो आपको ये आपको प्रूव करके बताना है। तो चलिए यहाँ पे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो इन फिगर में, इन गिवन फिगर, दैट मीन्स जो आपको फिगर है, इस फिगर में क्या दिख रहा है हमें कि ये जो हमारा है यहाँ पे, दैट मीन्स एक्स जेड है, ये कोइंसाइड हो रहा है इन दोनों में, एक्स प्लस एंड वाई जेड में। सो एक्स जेड कोइंसाइड्स विथ किसके साथ, एक्स वाई एंड वाई जेड। अब कोइंसाइड होता है तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियम 4, यूक्लिड का एक्सियम 4 क्या बोलता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा का पूरा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियम 4, अगर आपको एक्सियम आता होगा तो ये सम आएंगे। तो इनका एक्सियम क्या बोलता था कि थिंग्स विच कोइंसाइड, जो मान लो कोइंसाइड हो रहा है विथ वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर, देन दैट आर इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे पर अगर कोइंसाइड हो रहे हैं तो एक दूसरे के इक्वल भी आते हैं। तो एक्स जेड और ये दोनों एक्स वाई प्लस वाई जेड कोइंसाइड हो रहा है, इसके अंदर आ रहा है, तो मतलब ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे, दैट मीन्स इक्वल होंगे। सो तुम्हारा यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई जेड इज इक्वल टू आपका आएगा एक्स जेड। तो इस तरह से आप इसको प्रूफ कर दोगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, बाय यूजिंग यूक्लिड्स एक्सियम 4। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 50 एंड स्टेट द यूक्लिड पोस्टुलेट यूज्ड इट। एक्चुअल में यहाँ पे पोस्टुलेट नहीं आएगा, एक्सियम आना चाहिए, क्योंकि किसी भी पोस्टुलेट का यहाँ पे यूज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक्सियम का। तो आपको इस तरह से इम्प्रूव कर लेना है, ठीक है, करेक्ट कर लेना है। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले इसको, एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 50। डायरेक्ट तुमको आता है कि 20 को उधर ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा, बट हमें क्या करना है, यूक्लिड का यहाँ पे पोस्टुलेट जो एक्सियम है उसका यूज़ करके करना है। तो यूक्लिड का एक एक्सियम होता था, यहाँ पे एक्सियम नंबर 3 था कि इफ़ वी सब्ट्रैक्ट
इफ़ वी सब्ट्रैक्ट इक्वल फ्रॉम बोथ साइड, दैट मीन्स एक ही दोनों साइड से कोई चीज़ हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो आएगा दो क्या होगा हमारा इक्वल आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो इक्वल होगा। सो अकॉर्डिंग टू एक्सियम हम यहाँ पे करते हैं, नाउ अप्लाई यूक्लिड्स एक्सियम फोर, सॉरी एक्सियम थ्री। तो एक्सियम थ्री क्या था इनका, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, ठीक है दोनों में से, देन द रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर आर इक्वल होगा, वो क्या हो जाएगा इक्वल। तो देखो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे पास x प्लस 20 है, इसमें से 20 माइनस कर देंगे तो 50 माइनस 20 यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहले लिखना चाहिए। सो हमने क्या किया, तो देखो ये दोनों आपको जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे 50 माइनस 20 करोगे दैट इज़ आपके 30 आ गए, तो हमने यहाँ पे ये कर लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 30। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5, सिंपल है ये भी। बोला गया इन द फॉलोइंग फिगर इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी आपको गिवन है, देन प्रूव दैट, ये देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी है, देन ए सी इज इक्वल टू बी डी हमें प्रूव करना है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, स्टेट द एक्सियम यूज्ड प्रूविंग द रिजल्ट। तो आपको एक्सियम भी बताना है कौन सा एक्सियम आपका यहाँ पे यूज हो रहा है जब आप इसको प्रूव करने जा रहे हो। तो पहले जो गिवन है वो हम ले लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए आपको गिवन है, इसको हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। नाउ अब हम अगर इसमें कुछ भी ऐड करते हैं तो क्या आएगा, दोनों तरफ ऐड कर देंगे, एक्सियम हमारे पास है, इफ़ वी एडेड वो दैट मीन्स एक्सियम टू हमारा क्या बोलता था इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल साइड, तो क्या होगा यहाँ पे कोई भी दैट मीन्स चेंजेस नहीं आता है। तो उस एक्सियम को आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको यूज़ करना है, तो एक्सियम का यूज़ करके ही हम यूक्लिड का ये पूरा सोल्व करने वाले हैं, काफ़ी सिंपल है। तो देखो एक्सियम क्या बोलता है, अगर आपको एक्सियम आता होगा तो ही ये सम कर पाओगे, इसलिए आपको एक्सियम्स पहले यहाँ पे लर्न करने हैं। बोलता है इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, तो सभी क्या हो जाएंगे इक्वल्स, तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। देखो ए बी में हम बी सी ऐड करेंगे तो हमें ए सी मिलेगा, क्योंकि ए सी लाना है इधर बी डी लाना है, तो ए बी प्लस बी सी, इधर भी हम बी सी ऐड कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है बी सी प्लस सी डी लिख देते हैं। तो एक्सियम क्या फोर्थ बोलता था हमारा, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इक्वल्स में अगर हम कोई भी इक्वल चीज़ ऐड करते हैं देन द होल्स आर इक्वल, पूरा जो होगा वो क्या रहेगा तुम्हारा इक्वल रहेगा यहाँ पे, ये हमारा एक्सियम टू बोलता है, ठीक है एक्सियम टू आप लिख सकते हो। सो ये हो गया, अब आपको पता है ये दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी क्या होगा तुम्हारा इक्वल हो जाएगा ए ए सी के, और बी सी प्लस सी डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी डी, ये आ गया। अब ए कैसे आया तो ये भी बता देते हैं हम यहाँ पे, तो ए बी जो था ए बी प्लस बी सी ए कोइंसाइड हो रहा है किसके साथ, ए सी के साथ, ए बी प्लस बी सी कोइंसाइड्स विथ ए सी एंड दूसरा बी सी प्लस सी डी जो था बी सी प्लस सी डी कोइंसाइड, जैसा कि हम यहाँ पे यूज़ किए हैं फर्स्ट सम में, कोइंसाइड्स विथ यहाँ पे आपका आ जाएगा सी डी, इसके लिए हमने ये वाला यूज़ किया। तो इस तरह से एक्सियम का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है पेज नंबर 36 के ऊपर। अब लास्ट क्वेश्चन इसका हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 जो कि पेज नंबर आपका 37 के ऊपर है। तब तक आप वीडियो को शेयर करते रहिए। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या दिया गया आपको। बोला गया है इन द फॉलोइंग फिगर्स पी क्यू इज इक्वल टू एल एम, ये जो पी क्यू है ए है इक्वल है एल एम के, क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, ये जो क्यू है पी आर का मिड पॉइंट है, एंड एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एल एन, तो एम जो है एल एन का मिड पॉइंट है। यूजिंग द एक्सियम्स प्रूव दैट P
पी आर, दैट मीन्स पी आर इज इक्वल टू एल एन, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो ये जो आपको गिवन है वो पहले आप राइट कर लो। हियर पी क्यू इज इक्वल टू एल एम आपको क्या है, गिवन है, ठीक है। अब एक क्यू मिड पॉइंट है तो हम क्या कर सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू, हम यहाँ पे इसका पी आर इज इक्वल टू वन हाफ टू पी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है मिड पॉइंट है मतलब आधा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू इज द मिड पॉइंट। इसको भी हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं बट टू मार्क्स में, इसलिए इतना ज़्यादा प्रूफ नहीं करना है। मिड पॉइंट ऑफ पी आर, सो यहाँ पे पी आर इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ पी क्यू, ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दो। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे एम इज, यहाँ पे एम इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ एल एन, सो यहाँ पे जो आपका एल एन आएगा, एल एन इज इक्वल टू वन हाफ टू एल एन, ये हमारा इक्वेशन नंबर टू हो गया। नाउ अब ये दोनों हैं तो हम यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे एल एम जो है, ए एल एम और पी क्यू हमारा एक जैसा है, तो इसकी जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, एल एन रख, एल एम दैट मीन्स एल एम रख सकता हूँ, ठीक है। नाउ नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, तो देखो पी आर इज इक्वल टू वन हाफ टू पी क्यू की जगह मैं एल एम रख देता हूँ, बिकॉज क्या है यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू एल एम, सो यहाँ पे हो गया, इसको इक्वेशन नंबर थ्री। नाउ अब इक्वेशन वन और थ्री में देखो, ए पी आर है आपका, ए बी पी आर है आपका, ठीक है। यहाँ पे वन हाफ टू एल एम है, यहाँ पे वन हाफ टू एल एम है। अब देखो वन हाफ टू एल एम क्या है, इसके इक्वल है, तो हम यहाँ पे अब नाउ इक्वेशन टू और थ्री को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री, यहाँ पे हम एक्सियम लगाएंगे। एक्सियम क्या होता था, यूक्लिड का जो हमारे पास यहाँ पे एक्सियम्स है, फर्स्ट एक्सियम। नाउ एक्सियम वन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री यूज एक्सियम वन, क्या था एक्सियम वन भी हम यहाँ पे अभी लिख देंगे, पहले इसको लिख देते हैं। तो देखो थिंग्स आर विच आर इक्वल टू, ये दोनों देखो इक्वल हैं एक दूसरे के, तो ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पे पी आर इज इक्वल टू आपका एल एन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो एक्सियम भी यहाँ पे आपको राइट कर देना है, बिकॉज क्या होता है एक्सियम, यहाँ पे थिंग्स विच आर, थिंग्स विच आर इक्वल्स, इक्वल्स टू द सेम थिंक, थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, इक्वल टू वन अनदर, ये आपका इस तरह से हमने क्या किया है, प्रूव कर दिया। तो हम इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर फाइव इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में ये विकास मैथमेटिक वर्कबुक कंप्लीट होता है, चैप्टर फाइव का। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, पूरा का पूरा आपका कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।